हेलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं दाल मखनी, नान और अमृतसरी खट्टी मीठी चटनी। चलो बनाना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले गूंदेंगे आटा नान के लिए। इसमें हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। इसमें हम डालेंगे नॉर्मल दही 1/2 कटोरी। हम दही से आटा गूंदेंगे और रिक्वायरमेंट पड़ी तो दूध डालेंगे, थोड़ा सा पानी नहीं डालेंगे। ये हमने दही डाली है। अब इसमें हमने डाला है 2 चम्मच रिफाइंड। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे और नमक भी डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको गूंद लेंगे। अगर हमारा दही से आटा गूंदता है ठीक है, वरना हम थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको हम गूंद लेंगे। इस आटे को हमें ऐसे पटक पटक के गूंदना है। जितना हम इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे इस आटे को, ये कम से कम 10 मिनट तक इसके प्रोसीजर हमें इस आटे के साथ करना है। ये देखो, इसे ऐसे स्ट्रेच करना है। अब इसे हम टाइट फोल्ड करके रख देंगे साइड पे, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक के। ये आटा ऐसे पुल बैक करेगा, वापस आएगा। ये देखो, अब इसे गीले कपड़े से ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए। अब हमने लिया है इमली का पेस्ट। अब हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। इमली का पेस्ट लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। 1 कटोरी पानी लगेगा इसमें। पेस्ट 3 चम्मच था। अब इसमें हमने डाली है पिसी हुई चीनी 2 चम्मच। अब इसमें हमने डाले हैं बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च 1 कटी हुई बारीक, धनिया पत्ता है कटा हुआ, ये इसमें हम मिला देंगे इमली में। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच। अब काला नमक डालेंगे, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। और मैंने एक आलू उबाला हुआ है, उसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। अब ये इसमें हम आलू मिला देंगे। ये अमृतसर की मशहूर चटनी है, ये ऐसे आलू मिला के ही बनती है। ये खट्टी मीठी चटनी बन गई हमारी प्याज की। लो, चटनी तैयार हो गई। अब हमने दाल उबालने रखी है। दाल हमने रात को भिगो दी थी। उबालते समय इसमें हमने डाला है अदरक डाला है कद्दूकस करके, 2 हरी मिर्च और कद्दूकस करके 2 टमाटर डाले हैं। दाल मैंने 250 ग्राम ली थी। इसको अब हम उबाल लेंगे दाल को। अब हम दाल के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसमें हम खड़े मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसमें हमने डाली 1 साबुत काली मिर्च, 2 इलायची, दालचीनी, जीरा, साबुत धनिया, स्टार एनीज और लौंग काली मिर्च। इसको हम भुन लेंगे सबको। अब इनको हम दरदरा कूट लेंगे भुनने के बाद। इसको हम मसाले को दाल में मिला देंगे। इसको हम अच्छे से अब चला लेंगे दाल को। अब हमने इसमें 1 सूखी लाल मिर्च डाली है। इसको पकने देंगे अच्छे से दाल को। थोड़ा नमक ऐड किया है। अब लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी थोड़ा सा। मक्खन ऐड कर रहे हैं इसमें हम 1 चम्मच। इसको हम पकने देंगे दाल को। क्रीम भी इसमें हमने 2 चम्मच डाली है, फ्रेश क्रीम। इसको पकने देंगे दाल को। अब हम तड़का लगाते हैं दाल को। हमने डाला पैन में 1 चम्मच के करीब घी डाला है, देसी घी। अब डालेंगे थोड़ा इसमें जीरा। जीरा चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, डालेंगे बारीक काट के। लहसुन के ब्राउन होने के बाद इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब हम दाल को तड़का लगा लेते हैं इससे। इसको हम दाल में पलट देंगे। ये तड़का लग गया दाल को। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और धनिया काट के बारीक बारीक। ये लीजिए, हमारी दाल मखनी तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं नान। ये आटा हमने 2 घंटे गूंद के रखा था। अब हमने लोई ली है। इसको आप स्टफ नान भी बना सकते हैं, हम इसको प्लेन बना रहे हैं। इसमें आप कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं। मैदे से हम इसका हेल्प से हम इसको गूंदेंगे आटे को। अब एक तरफ पानी लगा के हमने कलौंजी के बीज, धनिया पत्ता और मेरे पास मस्मेलन के बीज पड़े थे, मैंने वो भी इसके ऊपर लगा दिए। अब इसको हम एक बार फिर बेल लेंगे।
अब हम एक साइड पानी लगा के इसको तवे पे भी सेक सकते हैं, तंदूर में भी सेक सकते हैं। एक साइड पानी लगा के इसको हम ऐसे रख देंगे। ये लीजिए हमारा नान बन रहा है। ये नान बन के तैयार हो गया है। ये इसको हम चिमटे से सेक लेंगे। इसमें मक्खन लगा के, वाइट मक्खन या येलो मक्खन, इसको हम इंजॉय करते हैं। लीजिए एंजॉय कीजिए दाल मखनी, खट्टी मीठी चटनी, गुड़, लस्सी और नान। थैंक्स फॉर